आ जाओ दोस्तों, कल का कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल के कहानी से तो तुम्हें पता चल गया होगा कि कोई भी दो चीज़ सिमिलर कैसे होता है। यार तुम तो देख के ही बता सकते हो कि दो चीज़ सिमिलर है या फिर नहीं। टेंशन मत लो, कुछ दिन बाद हम लोग सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जानेंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है ना, इसी प्रकार से सिमिलरिटी का भी क्राइटेरिया होता है। ज़्यादा घबराओ मत, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया से सिमिलरिटी का क्राइटेरिया कम ही रहता है, दो तीन ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को पूरा ख़त्म करेंगे और साथ में थेल्स थ्योरम को जानेंगे, जिसको बहुत से लोग BPT थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलो जल्दी से एक्सरसाइज 6.1 चालू करते हैं। 6.1 में है क्या यार, बोलता है कि दुनिया का जितना भी सर्किल है वो सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। तुम इतना पागल तो हो नहीं कि कॉन्ग्रुएंट कहोगे, सिमिलर ही ना होगा यार, क्योंकि दुनिया का जितना भी सर्कल है सब एक ही प्रकार का दिखता है, गोले दिखता है खाली। कि तुम कहीं पर स्क्वायर शेप का ही सर्किल देखे हो? देखे हो तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग सर्कल को कॉन्ग्रुएंट इसीलिए नहीं बोले क्योंकि दुनिया का जितना भी सर्कल है ना, सब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, इस प्रकार से है, सब एक ही साइज का नहीं है। सब अगर एक ही साइज का रहता तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते थे। अरे यार एक साइज का नहीं है तो कम से कम सिमिलर तो बोल सकते हैं ना एकदम। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये है कि दुनिया का जितना भी स्क्वायर है वो सब कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है? सब स्क्वायर तो कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, क्योंकि दुनिया में जितना भी स्क्वायर है सबका साइज छोटा बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ जितना भी स्क्वायर है सबका एंगल इक्वल है, और साथ में जो भी साइड है ना यार सब साइड प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एक स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है। दो मंत्र तो मैंने कल ही तुम्हें दिया था, करस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल और करस्पोंडिंग एंगल इक्वल, ये दोनों मंत्र लगा के देखना, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो तुम कह देना कि ये दोनों चीज़ सिमिलर है। यार मैं तुम्हें और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मंत्र बताया हूँ ना, ये मंत्र सिर्फ एक ही चीज़ सबके लिए काम करेगा। दो ट्रेंगल, दो स्क्वायर, कोई भी दो चीज़ सेम टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो स्क्वायर उठा लिया और एगो ट्रेंगल उठा लिया, ऐसा में काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया में किस टाइप का ट्रेंगल सिमिलर होता है। बाप रे बाप, बहुत घुमा के पूछ दिया यार क्वेश्चन, कौन टाइप का ट्रेंगल सिमिलर होता है? अरे यार इक्विलेटरल ट्रेंगल का नाम तुम सुने ही होगे, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, और तो और हर साइड इक्वल होता है। साइड तो प्रोपोर्शनल हो ही जाएगा, साथ में करस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में बोला है कि सिमिलर फिगर का दो एग्जांपल दे दो, कोई भी सिमिलर फिगर का। क्वेश्चन पूछ दिया यार, अभी तो हम लोग इसको बनाए हैं, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रेंगल, सर्कल, दो कौनवे चीज़ लिख देना, स्क्वायर या फिर इक्विलेटरल ट्रेंगल। हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यार रेक्टेंगल का ना लेंथ और ब्रेंथ डिफरेंट होता है, ऐसे में भी चल सकता था अगर एक प्रोपोर्शन में इसका लेंथ रहता और ब्रेथ रहता, लेकिन यार दुनिया में कई ट्रेंगल ऐसा है जिसका ब्रेथ एकदम तनिकन है, लेंथ बहुत ज़्यादा, और कितना ट्रेंगल ऐसा है जिसका लेंथ और ब्रेथ में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का गैप रहता है, तब फिर ऐसा में नहीं ना होगा यार। क्वेश्चन नंबर 3 तुम पर छोड़ता हूँ, 6.1 ख़त्म, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, एगो रोम्बस दे दिया है और एगो स्क्वायर दे दिया है, रोम्बस का हर साइड का लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है और स्क्वायर का 3 सेंटीमीटर, तुम्हें बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या फिर नहीं। देखो यार रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होगा, तो करस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल वाला से तो फिट खा जा रहा है, लेकिन यार करस्पोंडिंग एंगल इक्वल वाला से फिट नहीं खा रहा है। अब डिसीजन तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ। देखो यार एक देश था ग्रीस, इस देश में एक बुढ़ऊ रहते थे। ये बुढ़ऊ का कुछ काम धाम तो था नहीं, बस मैथूत से खेलते रहते थे। इस बुढ़ऊ का नाम था थेल्स, हमेशा काका बनाते रहते थे, कभी ट्रेंगल बनाते थे तो कभी का बनाते, दिमाग खराब करके रखा था। एक बार इसने ट्रेंगल का फोटो बनाए और बोल रहे हैं कि जो ट्रेंगल है ना इसका कोई भी साइड ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो, ए सी ले लो, कोई भी साइड ले लो, उस साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो, बी सी के पैरेलल खींचो, ए बी के पैरेलल खींचो, या फिर ए सी के पैरेलल खींचो, कोई भी साइड के पैरेलल एगो लाइन खींचो, बस मैं एगो लाइन खींचने कह रहा हूँ, ज़्यादा फुटानी मत करो, मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ, कैसा बोलने लगा। आगे क्या बोलता है देखो, यार हमारा कैमरा को पाला मार दिया कि क्या, देख रहे ना। तो ये बुढ़ऊ आगे बोलते हैं कि जब तुम पैरेलल लाइन खींचोगे ना तो देखोगे
कि बाकी दोनों साइड दो दो भाग में बट चुके हैं। एक बार फिर से शुरू से बोल देता हूँ, यदि तुम ट्रेंगल के किसी भी साइड से पैरेलल ट्रेंगल के बाकी दोनों साइड को काटते हुए तो देखोगे कि ट्रेंगल के बाकी दोनों साइड दो दो भाग में बट चुके हैं। अगर वो दोनों भाग को अगर तुम मेजर करोगे ना तो वो दोनों भाग आपस में प्रोपोर्शनल होगा। इस फिगर में देखो AD by DB इज इक्वल टू AE by EC होगा, इस टाइप का प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा कह के बोल दिया। अब सबको इसका बात में भरोसा करने वाले थोड़े ना हैं, हम भी इसका बात में भरोसा नहीं करते, काजनी बुढ़ऊ का करते रहते हैं। चलो हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं, बिना प्रूफ किए तो हम लोग इस पर भरोसा नहीं करेंगे। चलो यार मैं तुम्हें भी प्रूफ करके बताता हूँ, काजिन तुम्हारा मास्टर लोग भी पूछ दे कि कैसे यार तुम थेल्स का थ्योरम में कैसे विश्वास कर गया, चलो प्रूफ करके बताओ, तुम भी फिर गड़बड़ा जाओगे। चलो प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है कि BC के पैरेलल DE है। प्रूफ हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, यही ना प्रूफ करना है? दोनों साइड का दोनों भाग आपस में प्रोपोर्शनल है, यही ना प्रूफ करना है? तो वही तो है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। चलो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, AD के परपेंडिकुलर एगो लाइन खींचना होगा, यदि मैंने लाइन खींच लिया, और AE के परपेंडिकुलर भी एगो लाइन खींचना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे? LE परपेंडिकुलर टू AD एंड MD परपेंडिकुलर टू AE आर ड्रोन, ऐसा करके लिख देना। यार यहाँ पर गलती से इज ड्रोन लिख दिया ना, आर ड्रोन लिखना, साथ में DC और BE को जोड़ दो। कितना कितना कंस्ट्रक्शन कर रहा है यार भाई, इतना ही कंस्ट्रक्शन करेंगे यार। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। देखो यार प्रूफ में हम लोग ना ट्रेंगल ADE और ट्रेंगल BED दोनों का एरिया का रेशियो निकालेंगे, दोनों ट्रेंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे। यार जरा बताओ तो कि ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अरे हाँ भाई हमको तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या ही ना होता है। अरे हाँ 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 यार, चलो भगवान के नाम से हमारा कैमरा भी ठीक हो गया। देखो यार अब बेस के जगह में बेस का वैल्यू पुट करेंगे और हाइट के जगह में हाइट का वैल्यू। यार ट्रेंगल BED का बेस और हाइट, बेस तो लिख लेंगे लेकिन हाइट कहाँ से लिखेंगे? देखो यार बेस के जगह में बेस लिख लिया। अब भाई एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वैसा दो ट्रेंगल जो सटा हुआ हो आपस में और जिसका बेस एक ही लाइन से गुजरता हो, देखो तो ये सीधा लाइन है ना, तो उन दोनों ट्रेंगल का हाइट एक ही होता है। तो देखो ट्रेंगल BED का हाइट LE हो जाएगा, समझ रहे हो ना कैसे? अभी तो मैं बता दिया यार। चलो समझ गए होगे। तो देखो यार इसमें कुछ एक जैसा नहीं दिख रहा है, हाफ ऊपर नीचे है तो दोनों को काट देंगे, LE ऊपर नीचे है तो दोनों को काट देंगे, तो बचा क्या? AD by BD। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? अरे यार ऐसा ही हम लोग एरिया ऑफ ट्रेंगल AED और एरिया ऑफ ट्रेंगल ECD का रेशियो निकालेंगे। देखो यार ऊपर वाला ट्रेंगल तो सेम ही है, ADE और AED एक ही है, लेकिन नीचे वाला ट्रेंगल बदल गया, देख रहे हो ना? तो चलो इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, बेस के जगह में बेस लिखते हैं, बेस क्या है? AE है, और हाइट क्या है? MD है, AE इंटू MD हो गया। अब नीचे का भी बेस क्या है? EC है बेस, और देखो तो ट्रेंगल ADE और ट्रेंगल ECD दोनों आपस में सटा हुआ है और उसका बेस एक ही लाइन पे है, तो दोनों का हाइट भी एक ही हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसका भी MD। तो देखो हाफ हाफ कट जाएगा, MD कट जाएगा, बचेगा क्या? AE by EC। देखो भाई दोनों केस में ऊपर वाला ट्रेंगल तो हम लोग सेम लिए थे ना, लेकिन एक बार में AD आया और एक बार में AC आया। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, जो कि तुम पहले पढ़े भी होगे लेकिन नहीं पढ़े होगे तो भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई दो ट्रेंगल पैरेलल लाइन के अंदर हो और दोनों ट्रेंगल का बेस एक ही हो तो वो दोनों ट्रेंगल का एरिया इक्वल होता है। तो देख रहे हो ना, दोनों ट्रेंगल का बेस अगर हम लोग नीचे वाला पैरेलल लाइन को मान लेते हैं तो दोनों ट्रेंगल का बेस एक ही हो जा रहा है, और दोनों ट्रेंगल तो पैरेलल लाइन के अंदर ही हैं क्योंकि हमको गिवन में ही दे दिया है DE पैरेलल टू BC। इसका मतलब ट्रेंगल BED का एरिया और ट्रेंगल ECD का एरिया इक्वल होगा। तो यार अभी मैं जो स्टेटमेंट बोला ना उसको वर्ड में ऐसा लिखना होगा, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रेंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ऐसा लिखना होगा उस स्टेटमेंट को, और उसके नीचे लिख देना होगा कि हम लोग का दोनों ट्रेंगल का एरिया आपस में इक्वल है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख लिया, हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन मानते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3।
तीनों इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? अरे यार, ऊपर वाला ट्रेंगल तो इक्वल है ही, अब हम लोग नीचे वाला ट्रेंगल को भी आपस में इक्वल कर दिए। इसका मतलब ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हेंस प्रूव्ड। चलो यार, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब वो बुढ़ऊ बिल्कुल सही कह रहा था यार। तो इसी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं, कितने लोग इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, कोई बात नहीं यार, तुम बोलो। हमारा तो थ्योरम प्रूफ हो गया। अरे चलो भाई, इस थ्योरम का यूज और अगला थ्योरम सब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही यार।